गुड मॉर्निंग ऑल गाइज, आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमने जो थ्योरी के रूप में पढ़ा था कि स्टॉक समरी क्या है, तो आज हम स्टॉक समरी को प्रैक्टिकल के रूप में आपके बीच में लेके आए हैं। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और देखें। हम पहले जो हमने पिछली क्लास के अंदर थ्योरी के रूप में डिस्कस की थी उसका थोड़ा रिवाइज करते हैं कि क्या था, फिर हम एक एक चीज़ को लेकर उसकी प्रैक्टिकल पर वर्क करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, तो जब हम कोई कंपनी क्रिएट करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टैली ERP को हमने क्लिक किया और आपकी यहाँ पर टैली ERP ओपन हो जाएगी। जैसे ही टैली ERP ओपन होती है तो सबसे फर्स्ट काम हमारा होता है एक नई कंपनी बनाने का। अब तक हमने केवल अकाउंट्स पर वर्क किया, अब हम इन्वेंट्री पर वर्क कर रहे हैं। तो पहले इससे बाहर आ जाएं और आप एक नई कंपनी का क्रिएशन करें। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वर्क क्या होता है, कौन सा यूज मेनू करते हैं, Alt F3। Alt F3 करने के बाद हम शॉर्टकट जो हाईलाइट फर्स्ट वर्ड्स होता है उसको हाईलाइट वो ऑप्शन दबाकर भी हम उस चीज़ पर वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर इट, जैसे क्रिएट करना है तो हम सी कर दें और आपका सी करते ही आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो हमारी ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम कोई भी कंपनी बनाते हैं, जैसे कि अब हमारा सबसे पहले कल दशहरे के उपलक्ष में सभी को मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं कि आज जो कल दशहरा का त्यौहार है आपके लिए एक यानी बुराई पर एक बुराई की हार और एक अच्छाई की जीत हुई और भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट कर अब अयोध्या अपने घर लौटे और वहाँ के लोगों ने उस दिन को उल्लास के रूप में बनाया और उसे दशमी के रूप में। कहा जाता है कि बुरा करने वाले का बुरा होता है, इसी प्रकार राम ने खूब रावण को संदेश शांति प्रस्ताव सारा कुछ किया, लेकिन वो एक घमंडी था और उसने उस कार्य को नहीं माना और सीता माता को ना वापसी कर और अपना खुद का सर्वनाश किया। इसी के लिए कहा जाता है कि हरदम बुराई की हार होती है और सच्चाई की जीत होती है। उस कारण कल का विजयदशमी के रूप में दिवस त्याग बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। इसी प्रकार कल रावण का दहन किया जाएगा और इसलिए मैं आप सभी को कल के उपलक्ष के में दशहरे के उपलक्ष में सभी को अपनी खींची टैली अकेडमी से सभी को जो मेरे स्क्राइबर है उन्हीं को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके परिवार के लिए बहुत खुशियां लेकर आए। आज हम उसके बाद एक बहुत अच्छे अपनी वीडियो को लेकर चलते हैं, क्योंकि मैं आपको कल की एडवांस शुभकामनाएं दी कि आप खुश रहें और अच्छे रहें और अच्छा स्वास्थ्य रहे और अच्छे लाइफ के अंदर एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बन सके। तो हम सबसे आज राम और के नाम से हम ये कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कल भगवान राम अपने 14 वर्ष का वनवास काट के लौटे, तो मैं एक राम के नाम से ही कंपनी बना लेता हूँ राम। तो राम प्राइवेट्स लिमिटेड, शुभ काम के लिए शुभ नाम ले लेते हैं, राम प्राइवेट्स लिमिटेड हमने बनाई। अब इसके अंदर एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे तो वो तो अयोध्या के थे और हम तो कुछ भी डाल सकते हैं, तो आजकल तो ये रेवाड़ी इंडिया और हम यहाँ पर अपना हरियाणा डाल देंगे और हरियाणा डालकर और हम यहाँ पर अपना कोई टेलीफोन नंबर है तो आप डाल दीजिए, मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, कोई फैक्स नंबर है तो आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी कुछ बना रखिए डाल दें, वेबसाइट है तो कोई वो डाल सकते हैं। और आपको फाइनेंशियल के बारे में सभी को अवगत है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट होता है वही बुक बिगनिंग का टाइम होता है। मैं इसको पासवर्ड ना डालता, अगर पासवर्ड डाले तो यहाँ पर रिपीट, यहाँ पर कोई पासवर्ड डाल लेंगे, रिपीट पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और हमारा यहाँ कंपनी का काम क्रिएट हो गया।
अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में राम प्राइवेट्स लिमिटेड्स बन चुकी है। तो कल मैंने आपको ये समझाया था कि टू एक्टिव एंड क्रिएट अल्टरनेट यूनिट्स आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपसे गो टू ऑफ गेटवे ऑफ टैली। तो जो आप फर्स्ट स्क्रीन देख पा रहे हैं ये है गो टू गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद हमने कहा आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर जाए, तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर है, इस पर हम चले गए। उसके बाद कहता है कि आप किस पे जाएं, आप इसके अंदर स्टॉक आइटम्स और स्टॉक क्रिएट्स, तो आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं स्टॉक आइटम्स और आप इस पर क्रिएट, तो आप ये क्रिएट हो गए तो यहाँ पर आपका क्रिएशन हो गया। अब यहाँ F12 करते हैं, तो F12 करने के बाद मैंने सेकंड में कहा था इसका जो ऑप्शन था फर्स्ट प्रेस F12 कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन एंड एक्टिव यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसके अंदर स्टॉक आइटम्स आप देखिए इसमें नंबर लास्ट से 3 पॉइंट देख सकते हैं यूज अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम्स आप देख सकते हैं, उसमें हम यस क्लिक करेंगे और यस यस पे क्लिक करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं इस पर तो यहां हम यस करेंगे यूज अल्टरनेट यूनिट यस यस कर दिया और यही और इसमें और एंटर अल्टरनेट यूनिट्स एंटर अल्टरनेट यूनिट्स पर हम यस किया और हम एंटर करेंगे। तो आपका जो मैंने आपको समझाया कि कैसे अल्टरनेट यूनिट को आप F12 करके और उसको आप ओपन कर सकते हो। इसी प्रकार मैंने नेक्स्ट ऑप्शन था, इनकी सबको आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखाऊंगा कि टू क्रिएट कंपाउंड यूनिट्स क्रिएट टू सिंपल यूनिट ऑफ मेजर्स एज मेंशन देन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन देखिए, उसमें मैंने आपको समझाया था गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे चले गए, फिर आपने एंटर किया, फिर यूनिट ऑफ मेजर्स पे चले गए, फिर आपने एंटर किया और फिर आपने क्रिएट किया। तो आपका ये सिंबल फर्स्ट यूनिट जिसमें कंपाउंड ले सकते हैं फॉर्मल नेम, जैसे सिंबल में PC टाइप तो सिंपल रहेगा, सिंबल में जैसे शॉर्टकट ले लिया, फॉर्मल में आपने पूरा नाम ले लिया, यही आप का इसका काम है। अभी मैं आपको नई कंपनी क्रिएट करके दिखाऊंगा तो आप इस पर अच्छा वर्क कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम इसके अंदर एक नई जनरल एंट्री करते हैं और जनरल एंट्री के बाद आपको स्टॉक समरी के रूप में दिखाऊंगा कि स्टॉक समरी पर कैसे वर्क किया जाता है। एक एंट्री हम परचेज की लेंगे और एक एंट्री हम सेल्स की लेंगे। हम परचेज की एंट्री लेते हैं, तो परचेज की एंट्री मान लो हमने परचेज किया सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से, तो हमने परचेज किया किससे, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से, तो सूर्य से हमने लिया ट्यूबलाइट्स और टेबल फैन और हीटर। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्य लिमिटेड। तो हम सबसे पहले इसमें दोनों का वर्क काम होगा, तो सबसे पहले हम परचेज का लेजर बनाते हैं। आप देखते रहें, एक ध्यान से वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि स्टॉक समरी हम कैसे बनाते हैं। इस परचेज अकाउंट किया मैंने परचेज अकाउंट्स, तो परचेज अकाउंट्स किस में जाएगा, परचेज में जाएगा और यहाँ एंटर मारें और कुछ ना करें यहाँ पर, और आप इसके अंदर एंटर करें, आपका परचेज हो गया। अब इसके बाद दूसरा था हमारे पास कि परचेज का लेजर होने के बाद हमारे पास सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, तो सूर्य का लेजर बनाएंगे सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर्स। तो सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर हमारे लिए संडी कैडिटर्स हो गया, तो संडी कैडिटर्स में हम एंट्री करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे हम, और ये हमारा कुछ नहीं करना बाकी, तो हमारा ये काम पूरा हो गया। अब इसके अंदर आइटम्स है, अब इन्वेंट्री का काम हो गया। अब सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की चीज़ है इन्वेंट्री का वर्क कैसे करते हैं। तो हमने ये परचेज का कर दिया, एक मैं आपको इसी में एक सेल्स का ले लेता हूँ। किसका ले लेता हूँ, सेल्स का। तो मैंने अब किसी पार्टी को सेल्स किया, तो सेल्स करने का आइटम यही रहेगा, जब आपको समझ आएगा। एक ऐसी आइटम्स में मैं सेल्स का कोई भी नाम ले लेता हूँ, इस पर ले लेता हूँ कि रवि,
हम रवि को सेल्स कर रहे हैं। तो रवि किया मैंने, तो रवि हमारे लिए संडी डेटर्स हो गया, यहाँ पर संडी डेटर्स ले लिया और एंटर एंटर करा मैंने और ये हमारे पास हो गया। अब एक सेल्स का लेजर बना देता हूँ, एक सेल्स अकाउंट्स और ये हमारा सेल्स का लेजर हो गया। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप वीडियो से ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से देखने के बाद ही आपको अच्छा प्रकार समझ आ सकता है। अगर ध्यान थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको ये नहीं आएगी समझ में। तो मैंने ये आपको एक परचेज का लेजर बनाया, एक परचेज के साथ संडी एडिटर्स का बनाया, एक संडी डायरेक्टर का बनाया और एक सेल्स का बनाया। तो मैंने परचेज हो गया, सेल हो गया, संडी डायरेक्टर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, चार लेजर बना दिए। अगर आप इन लेजर को देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। आप लेजर पे गए और अल्टर पे गए तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बना होता है। मैंने एक परचेज बनाया, एक रवि बनाया, एक सेल्स बनाया और एक सूर्य बनाया। अब ये अब मैंने दो ऑलरेडी बने होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स। अब आता है मेन काम स्टॉक का, हम करें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या चीज़ है, उसको एक एक चीज़ को जो इसमें यूनिट ऑफ मेजर्स, स्टॉक आइटम सब एक एक चीज़ है, कृपया करके ध्यान से एक एक स्टेप को नोट करें डायरी नोट्स में। और नोट करने के बाद आपको, क्योंकि हम कोई चीज़ नोट करते हैं तो हमें वो फ्यूचर के लिए एक हमारे तरह एक गाइड भी तैयार हो जाए, उसके पश्चात हम कभी हम अगर भूल जाएँ तो उस पर देख कर हमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तीन आइटम लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर आइटम लेता हूँ तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर। जब भी हम स्टॉक का वर्क करेंगे तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर जाने के लिए सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होता है मैं वो स्टॉक ग्रुप है, तो मैं आप ये देख सकते हैं ट्यूबलाइट का बना रहा हूँ, ट्यूबलाइट्स आप देखो ट्यूबलाइट्स। तो ट्यूबलाइट ये आपका किस में जाएगा, प्राइमरी में जाएगा और कुछ नहीं करना आपको, ये एक ट्यूबलाइट का लेजर आपका, ये स्टॉक ग्रुप बन गया है। इसके बाद एक ये हो गया, सेकंड हो गया टेबल फैंस, तो मैं टेबल फैन का बना लेता हूँ, टेबल्स फैन, टेबल फैन। तो यह टेबल फैन है तो ये भी प्राइमरी में जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद टेबल फैन के बाद हीटर्स ले लेता हूँ, तो हीटर्स ले लिया मैंने, तो ये भी हमारा प्राइमरी में जाएगा। तो ये काम यानी तीन आइटम का लेके चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा लेके चलूँगा। तो यहाँ तीन मैंने आइटम लिए क्योंकि मैंने जो परचेज की भी करनी है, सेल की भी करनी है, उसके बाद आपको स्टॉक समरी भी दिखानी है, तो काफ़ी टाइम, तो हम थोड़ा लेकर तीन से ही, तीन हो या दस हो एक ही चीज़ है। तो मैंने स्टॉक ग्रुप को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद स्टॉक ग्रुप करने के बाद हम यूनिट ऑफ मेजर्स, जिस पर बार बार बातें कर रहे थे, तो यूनिट ऑफ मेजर्स पे क्या होता है आप देखो, शुरू से देखे नंबर थर्ड पॉइंट है, मैंने स्टॉक ग्रुप बना लिया, फिर यूनिट ऑफ मेजर्स तैयार कर रहा हूँ मैं, आप देखिए इस पर यूनिट ऑफ मेजर्स पे गया और फिर मैंने क्रिएट किया। और जैसे कि अब कौन सी चीज़ है, जैसे चीनी है, केजी कर दिया शॉर्टकट में, तो सिंबल मीन्स शॉर्टकट और फॉर्मल नेम मैंने पूरा नाम। तो अब मैं ये जो चीज़ मैंने ली है, ये मैंने किस में ली है, रुपये में, तो मैं यहाँ पीसी कर देता हूँ शॉर्टकट और यहाँ करता हूँ प्राइज कॉस्ट। समझ आ गया मेरा, प्राइज कॉस्ट, इसका मतलब कि ऊपर शॉर्टकट सिंबल में शॉर्टकट नाम लिख सकते हो और इसमें आप प्राइज कॉस्ट, कुछ नहीं करना। ये है यूनिट ऑफ मेजर्स का, आप कितने भी एक से अधिक बना सकते हैं अगर आइटम आपके पास हो, कोई ऑयल्स हो तो आप लीटर में ले सकते हैं और कोई बुक्स वगैरह तो डजन में ले सकते हैं। तो यहाँ जो अगर डजन लेना हो तो सिंबल में डी ओ एच जेड कर दे, फॉर्मल में डजन कर दे, अगर किलोग्राम में तो या के जी कर दे, नीचे फॉर्मल में किलोग्राम कर दे, अगर ऊपर लीटर में तो सिंबल में एल टी कर दे, नीचे लीटर कर दे। तो ये यूनिट ऑफ मेजर्स हैं, मैनी टाइप्स हो सकते हैं, तो आपको जैसा बिजनेस हो वैसा आप लिख कर इस पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक ग्रुप्स हो गया आपका, यूनिट ऑफ मेजर्स हो गया, हम आइटम पे काम करते हैं। अब आइटम पे क्या काम करना है, मैंने तीन आइटम थे तो तीन आइटम में मैंने लिया ट्यूबलाइट्स, तो यहाँ पर मैंने ट्यूबलाइट्स लेंगे, ट्यूबलाइट्स। तो आप देख सकते हो अब अंडर में आपका ट्यूबलाइट्स में आएगा, किस में आएगा, बस ये ध्यान देने की चीज़ है, ये आपकी ट्यूबलाइट्स आपका ट्यूबलाइट में जाएगा। और नीचे यूनिट में आप पीसी सेलेक्ट करोगे और आप कुछ बाकी आपको यहाँ किया आपने अल्टरनेट यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट में आप कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ पर एंटर एंटर मारे और ये आपका हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है अल्टरनेट यूनिट्स के बाद सेकंड मेरा था इसमें टेबल फैंस। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट बार बार यही कर रहा हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है
पर ध्यान से जुड़े रहें वीडियो से। और आप टेबल फ़ैन को मैं फिर टेबल फ़ैन में लिया मैंने, तो आप देख सकते हैं टेबल फ़ैन। तो यहाँ टेबल फ़ैन लेंगे, टेबल फैंस लिया मैंने यहाँ पर, और टेबल फ़ैन को फिर पीसी प्राइज कोस्ट मतलब नोट पे, और ये हमारे टेबल फ़ैन हो गया। इसके पश्चात हम लेते हैं टेबल फैन हीटर्स ले लिया मैंने, HETR हीटर्स, और हीटर्स को भी मैंने हीटर्स में ले लिया, हीटर्स में, हीटर्स को हीटर्स में लिया, और यहाँ पीसी लिया मैंने, और यहाँ कुछ नहीं करना, और यहाँ एंटर एंटर कीजिए। अब हमारा यहाँ पर जो आइटम्स है वो बन चुके, मैं इसके देख सकते हैं यूनिट इन्फॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप बना लिए, स्टॉक आइटम बना लिए, स्टॉक मेजर्स बना लिए, और वाउचर टाइप का नहीं है क्योंकि हम सीधा एंट्री बाहर करेंगे, और क्यों मैं बाहर स्टेचरी इन्फॉर्मेशन ये गणना करता है, ये मैं आपको बाद में कि क्या है इसके अंदर वो आप इसको बाद में देखेंगे क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं। अब सबसे पहले अब हमने यहाँ काम कर लिया, अब जाते हैं वाउचर एंट्री पर। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम वाउचर एंट्री पर गए, अकाउंटिंग इन्फो वाउचर्स में गए, और यहाँ मैंने F9 कर दिया। क्या कर दिया? F9। जब मैंने F9 किया तो सप्लायर इनवाइस नंबर आप जो मांग सकते हैं उसमें किस डेट को कर रहे हैं वो डेट डाल सकते हैं। अब देखो सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब मैं परचेज ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अगर डिटेल डालने डाल सकते हैं आप इसमें। यहाँ मैंने परचेज लिया, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है ये है कि मैंने 200 ट्यूबलाइट्स ली, तो 200 ट्यूबलाइट ली तो मैं टी करूँगा, और मैंने यहाँ ट्यूबलाइट सेलेक्ट की, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी डालनी है, तो क्वांटिटी मैंने डाल दी 200 रुपये, और मैंने रेट डाला यहाँ पर 50 रुपीज़ ईच। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं अमाउंट में ऑटोमेटिक खुद कैलकुलेशन करेगा 10,000, तो ये आपका आइटम ट्यूबलाइट का टोटल 10,000 रुपये आ गए। अब मैंने उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि मैंने 50 टेबल फ़ैन खरीदे 400 रुपये के हिसाब से, 50 टेबल फैंस। तो टेबल फ़ैन पे जाऊंगा मैं, हमने 50 टेबल फ़ैन लिए मैंने 400 रुपये के हिसाब से, तो ये मेरे पास हो गया 20,000 रुपये का। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास टेबल फैंस हो गया 400 के हिसाब से, अब 20 हीटर हो गया 100 रुपये के हिसाब से, तो 20 हीटर्स 100 रुपये के हिसाब से, 20 हीटर्स 100 रुपये के हिसाब से, तो हमारे पास टोटल 32,000 रुपये हमारे पास ये टोटल इसका बिल बन गया। तो हमारे पास ये एंट्री हो गई, क्लियर। अब हम सेल्स की एंट्री करता हूँ। अब सेल्स की एंट्री करने के लिए मैं क्या करूँगा, F8। तो F8 के अंदर आप ध्यान दीजिए, मैंने रवि को सेल किया, कुछ नहीं करना, आप एंटर एंटर मारते जाएं, सेल्स पे गया, तो सेल्स पे जाने का यहाँ मैंने सेल्स किया, अभी यही आइटम मैं अधिक में सेल में, आप तो क्योंकि परचेज तो उससे करो, सेल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मान के चलो मैंने यहाँ पर ट्यूबलाइट ली, तो मैंने यहाँ पर ट्यूबलाइट मेरे पास है, ट्यूबलाइट थी मेरे पास 200 पीस, अब मैं इसको 150 बेच देता हूँ, 150 बेच देता हूँ, और मान के चलो 50 की थी और मैं प्रॉफिट में तो बेचूँगा कुछ, 80 रुपये की मैंने इसको बेच दी। इसी प्रकार ट्यूबलाइट थी मेरे पास, टेबल फ़ैन मैंने खरीदे थे 50 रुपये के हिसाब से, मैंने 50 टेबल फ़ैन थे मेरे, और इसके बाद मैंने इसको 400 में ख़रीदा, तो श्योर है मैं यहाँ टेबल फ़ैन ले लेता हूँ, और टेबल फ़ैन लेने के बाद मेरे पास क्वांटिटी आपको साथ के साथ दिख जाएगी, तो यहाँ मैं 30 बेच देता हूँ 600 रुपये के हिसाब से, तो मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना इसमें, तो टेबल फैंस। इसके बाद मैंने हीटर लिया था 100 रुपये के हिसाब से, तो मैंने यहाँ हीटर ले लूँगा, और हीटर मैंने लिए 20, मैं 10 हीटर बेच देता हूँ, और मैं बेचता हूँ 200 रुपये के हिसाब से, तो हमारे पास 32,000 रुपये हमारे पास ये आ गए, और ये हमारे पास ये होगी सेल्स की एंट्री। अब चलते हैं हम यहाँ पर, अब आप ध्यान दीजिए कि अब हमें करना क्या है। अब जो मेन हम स्टॉक समरी पर काम करना चाह रहे थे, अब वो स्टॉक समरी पर काम करते हैं। आप मैंने आपको ये कहा था कि टू व्यू ऑफ द अल्टरनेट यूनिट में गो टू गेटवे ऑफ टैली स्टॉक समरी, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली स्टॉक समरी, तो फर्स्ट स्क्रीन आप देख पा रहे हैं स्टॉक समरी, तो आप देखो स्टॉक समरी पर चले गए। स्टॉक समरी पर जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे स्टॉक समरी पर जाएंगे आप F12 यूज करेंगे, क्या करेंगे F12। आप F12 यूज करते ही अब आपके पास स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, F12 करने के बाद सबसे पहले सोर्स ओपनिंग बैलेंस देखो, नंबर चौथा पॉइंट है उस पर यस करेंगे, गुड्स इनवर्ड्स यस करेंगे, गुड आउटवर्ड्स यस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यस करेंगे, उसके बाद टेल यूनिट्स भी हम यस कर देते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, एंटर एंटर मारते जाएं,
और इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अब देखिए, अब आपको जो मैंने आपको दिखाया कि हमारा नया बिजनेस है, और जो मैंने आपको कल समझाया था सेम वो का वही है कि इनवार्ड्स मेरे पास थे 2000 के थे, आप देख सकते हो, और हमने 32000 का ही परचेज किया और 32000 का ही सेल कर दिया। अब देखिए, अब टोटल हमारे पास हीटर्स, अब हीटर आप देख रखे हो तो ओपनिंग बैलेंस हमारा नया बिजनेस है नहीं है, तो हीटर आपका वैल्यू क्वांटिटी रेट्स आप दिखा रहे हो, ओल्ड एफ वन करते हैं इसमें। अब देखो ओल्ड एफ वन से उसकी डिटेल देखेंगे, ओल्ड एफ वन से, ओल्ड एफ वन से डिटेल देखेंगे। अब आप देखिए, अब मैंने 20 पीस लिए 100 रुपए के हिसाब से, और ये हो गया था 2000 का, और मैंने 10 पीस 200 के हिसाब से बेचे तो ये 2000 हो गया, तो क्वांटिटी में मेरे पास 10 बच गई और वैसे वैल्यू हो गई 1000 रुपये। इसी प्रकार टेबल फैन लेके चले, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस मैंने कहा था नहीं है, तो 50 पीस खरीदे थे 400 के हिसाब से 20000 हो गए, 30 पीस 600 के रुपये 18000 हो गए, तो 20 तो क्वांटिटी बैलेंस हो गई और 8000 की आपकी वैल्यू बच गई। इसी प्रकार ट्यूबलाइट लें, 200 पीस लिए और 50 के हिसाब से लिए 10000 हो गया, 150 बेच दिए 80 के हिसाब से 2500। तो आप देख सकते हैं हमारा कि 32 का लिया और 32 का बेचा और 11500 बच गए। कैसे बच गए वो ध्यान दीजिए, आपके पास वैल्यू तो उतनी थी, अमाउंट के अंदर, अमाउंट में आप देख सकते हो कि आपको 10 पीस बचा, कितने बचे 10 पीस, तो जो रेट आपने लिया था वही तो बैलेंस बचेगा। अब आपने जो 100 के हिसाब से खरीदा और 10 क्वांटिटी बची तो कितने का बचेंगे, 1000 ही बचेंगे ना, राइट। इसी प्रकार आपने 50 टेबल फैन लिए 30 बेच दिए, तो 20 का जो वो रेट लगेगा जब आपने जो इन्वर्ट्स किया, क्या किया इन्वर्ट्स किया, ये नहीं है कि आउटवर्ड, आउटवर्ड तो अपनी मर्जी से बेच रहे, इन्वर्ट्स जिस कॉस्ट में आपने लिया और जो वैल्यू बच जाए, जो क्वांटिटी बच जाए उसकी रेट को माना जाता है। तो आपका 50 पीस था और मतलब 30 पीस बेच दिया तो आपका ये बच गया 20 पीस, तो ये आपका 400 के हिसाब से 8000 हो गया। ऐसे ही ट्यूबलाइट आपने 250 के हिसाब से ली और 150 बेच दी तो 50-20 के हिसाब से 2500 रुपये, तो आपके पास 11500 की वैल्यू आपके पास बच गई। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपकी स्टॉक समरी है जो कि बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना, स्टॉक समरी पर F12 करना है, उस पर यस यस क्लिक करें और ये आपको बहुत अच्छी लगा। सबसे पहले नई कंपनी का क्रिएशन करना, उसके पश्चात आपको सबसे पहले परचेज या सेल का लेजर बना लेना अकाउंट्स ओनली पर, उसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाना, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स बनाना, उसके बाद स्टॉक आइटम्स बनाना, उसके पश्चात आपको ये सारा करने के बाद फिर आपको परचेज की F9 में एंट्री करनी और सेल्स की F8 में एंट्री करनी, इसके पश्चात स्टॉक समरी के लिए स्टॉक समरी पर जाकर F12 यूज कीजिए, और F12 पर जब आप यूज करेंगे तो F12 का यूज करने के बाद आप क्या क्लिक करेंगे उस पर, F12 करने के बाद आप उसके अंदर सेट 100 को ओपनिंग बैलेंस पर यस कीजिए और गुड्स इनवर्ट्स पर आप क्लिक कीजिए यस, गुड आउटवर्ड्स पर यस कीजिए और क्लोजिंग बैलेंस पर यस कीजिए और सेट 100 यूजिंग अल्टरनेट यूनिट पर यस क्लिक कीजिए, तो फिर आपको यही फॉर्मेट दिखाई देगा। आशा करता हूँ कि आज हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय।